फिल्म स्कूल में स्वागत है। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, और जिस विशेष बात के लिए आप लोगों को बुलाया वो ये शॉर्ट फिल्म है जोया। अब जोया ये फिल्म बनी क्यों, जोया फिल्म है क्या, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरा नाम नव कुमार राजू है और मैं को फाउंडर हूँ HRI फिल्म स्कूल का। यहाँ पर फिल्म एक्टिंग, फिल्म राइटिंग, फिल्म डायरेक्शन सिखाया जाता। अब एक फिल्म मेकर के अंडर कोई एक आदमी सीख रहा है, एक बच्चा सीख रहा है, एक एस्पायरिंग एक्टर, एस्पायरिंग राइटर डायरेक्टर सीख रहा है, तो उसे वो फील देना पड़ेगा कि जब आप सेट पे पहुंचोगे तो आपके साथ एग्जैक्टली क्या क्या होने वाला है। सो यहां होता क्या है, एक महीने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद आपको वन वीक वन सीन करवाया जाता है, लर्न बाय डूइंग। सो लर्न बाय डूइंग में होता क्या है, एग्जैक्टली आपको वैसे ही करना पड़ता है जैसे आप फिल्म के सेट पर करेंगे। सेम 9 बजे की शिफ्ट होगी, 1:30 बजे ब्रेक होगा, सेम मेकअप, सेम थिंग, सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे आप सेट पर। नहीं तो होता क्या है, अगर आप मछुआरे को समुद्र में नहीं ले गए और किसान को खेत में नहीं ले गए तो उनको अप्लाइड नॉलेज का अंदाजा नहीं होगा। वहां जाने के बाद, क्योंकि मैंने जब अभी दबंग 3 और राधे की तो मैंने देखा कि जो ये इंटर्न आते हैं इनको क्या तकलीफ होती है, क्या परेशानी होती है, तो वो इनके साथ किसी और सेट पर ना हो, तो इसलिए हमने अपना ये ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है लर्न बाय डूइंग। यानी एग्जैक्टली आपको सेट जैसा फील मिले, वैसे ही टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजी सब कुछ हो। सो HRI वैसे ही इक्विप किया। सो उसके तहत हमने ये हमारी पहली फिल्म बनाई, शॉर्ट फिल्म जिसका नाम जोया, और ये जुलाई बैच के बच्चों ने बनाई है। इन्होंने 1 महीने का कोर्स किया, उसके बाद 1 वीक 1 सीन के तहत इन्होंने फिर से एडमिशन लिया और ये फिल्म बनकर तैयार है। सो अभी हम इसका इस फिल्म को देखने वाले हैं, और क्वेश्चन आंसर जो होगा, सारे जितने लोगों ने काम किया इस फिल्म में वो सारे लोग आप लोगों के सामने होंगे और आप लोग डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। स्वागत है HRI में। आप सभी लोगों ने अभी जोया शॉर्ट फिल्म देखी, जो 1 महीने का हमारा कोर्स होता है लर्न बाय डूइंग, उसके तहत ये सारे स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया। सेट जैसा फील दिया गया इनको, शिफ्ट मतलब शिफ्ट, जितना वक्त लगेगा वक्त लगेगा, वो सारी चीज़ों के साथ इन्होंने फिल्म रेडी की जोया, जो ये एक स्टूडेंट और एडुकेशनल फिल्म है। आप लोगों ने देखी, आप लोगों को फिल्म पसंद आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अभी मैं एक एक करके इसकी कास्ट को, इसके टेक्नीशियंस को बुलाऊंगा आप लोगों के सामने। ये एक ऐसा अनुभव होगा इन लोगों के पास जो ये पहली बार, थैंक यू सो मच आप सभी का, कि लोग मीडिया फेस कर रहे होंगे, क्योंकि अगर ये इन हाउस मीडिया फेस करते समय आज इनको ये फील नहीं हो कि हम स्टार हैं तो आगे कैसे फील होगा। और हमने लिखा ही स्टार इज बॉर्न। सो थैंक यू सो मच, सबसे पहले जिन्होंने लीड रोल किया जोया, उनका नाम है दीप शिखा। Hi everyone, my name is Deepshika Bhatia. I come from the beautiful city of Nagpur. So Deepshika, it means a bright lamp, and my name defines me. I light up every room with my presence. Since my childhood, I always wanted to become an actor. Growing up, I have watched so many movies. I used to learn all the dialogues and then practice it with my friends, and did theater when I was young. So my parents recognized this, and since a very young age, I have been into modeling. I have been trained by Alicia ma'am. I've also worked with Prasad Bidipa sir. And my passion for acting brought me over here. So I hope that you liked our film. My character was very different from what I am in real life. Deepshika is very different from Zoya. Deepshika is very glamorous, full of life, bubbly, who loves her country to the crux. I love my country from the bottom of my heart. And so it was a different experience going barefaced in front of the camera, no makeup. I was told ki you should look like the character, so I didn't sleep for 2 nights actually to play. So I hope you like the movie, and I'll be happy if you have any feedback for me, and love to answer your questions. Thank you. That was lovely actually, and congratulations. As in, like the film says, Zoya is the title name. It's a proud moment for you, like, you know, Shikha. Deepshika.
It was an life-changing experience for me because it was very different from what we learn and actually emoting those things. There was actually an audition process where we had to go head-to-head for the lead role. So I was really excited and I thought ki I could, it was very different from my, as in the personality that I have. So it was a challenge, but yeah, I accepted it and it came out beautifully on the screen. So I'm really happy. Something about Nabji, Nakumar Raju is, he has a very different style of working. Or Hamesha, you know, bahut hi practical things like he tried to do, you know. How is it particular, unke saath, unke guidance ke andar? So I met Nab sir when I was in modeling and he liked my voice and he was like, you should come and I think you should definitely try acting. And I was like, sir, how did you know? It is my passion to become an actress. And he recognized me and working. I've always had very strict teachers and very strict trainers, and I really respect that thing about Nab sir. Nab sir is very strict. And though, as in his guiding light was always there when we were doing this movie, any doubt I had about my character or how is it this looking, I used to go and he used to always help me. And I couldn't have asked for a better mentor. Oh, thank you. But I will tell you that this is one thing that the story is very quickly, quick. Because the education level is so high. एक्सपोजर नेशनल इंटरनेशनल है इसका, सो बहुत जल्दी बात को समझती है और दोनों मीडियम को समझती है. अगर मैं कहता हूँ ग्लॉसी एक्टिंग करनी या मैं कहता हूँ नेचुरल एक्टिंग करती और मॉडलिंग का तो वैसे ही, तो ये मुझे लगता है कि आगे आने वाले फिल्म्स के लिए, मॉडलिंग के लिए एक बहुत अच्छा टैलेंट होगा. थैंक यू. सुपर, थैंक यू सो मच. सो आप लोग अभी जोया से मिले जो टाइटल रोल कर रही थी, और अब जो चीफ थे इस एजेंसी के, जिन्होंने थोड़े समय पहले सोचा नहीं था कि वो एक्टर बनेंगे, मैं अशोक जी हम लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे थे. सो मैंने कहा जब अपना इंटरनेशनल स्कूल है सो आप क्यों नहीं आते हो, अरे सपनों की उड़ान भरो. सो सपनों की उड़ान में मैंने इनको जम्मू से बुलाया, 10 दिन की ट्रेनिंग दी और ये चीफ बने. आइए सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी. सर मेरा नाम सुरेंद्र कुमार गुप्ता, मैं जम्मू कश्मीर से हूं. और पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर नब सर का. इन्होंने जैसे कि वो बोलते हैं ना मुर्दे में जान डाल दी, इन्होंने मुर्दे में जान डाल दी. सर मैं आई एम 60 ईयर ओल्ड, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगा. वैसे तो मैं ये सब मेरी रियल लाइफ में सब कुछ किया हुआ, लेकिन उसको एक्ट करके पर्दे में पेश करना वो मैंने पहली बार किया है. और इतना मुश्किल है, मैंने नहीं सोचा था कि ये काम इतना मुश्किल है. मैंने सोचा क्या है, जाएंगे एक्टिंग करेंगे आ जाएंगे, लेकिन इतना मुश्किल काम है ये, मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मुश्किल कोई और काम होगा. और 10 दिन का मेरा ये सारा शेड्यूल था. मैं वैसे ही किसी के थ्रू आया, तो नवसर से मुलाकात हुई, तो इन्होंने बोला यार आप भी आया करो. तो मैं आपको बताऊँ, मैंने यहाँ डांस भी सीखा, डांस सीख रहा हूँ मैं. मैंने डांस भी सीखा, फायर भी सीखी, ऐसा इंटरेस्ट बना मेरा, मतलब कि मैं रिटायर होने के बाद अब ये शुरू कर रहा हूँ. 60 साल के बाद लोग रिटायर होते हैं ना, तो मैं रिटायर होने के बाद अब एक्टिंग शुरू कर रहा हूँ. और अब यहाँ तक पहुँच गए कि अगले महीने मैं जम्मू जा रहा हूँ, ये कह रहे हैं HRI की फ्रेंचाइजी, पहली फ्रेंचाइजी जम्मू में खुलेगी. और मैं आपको बताऊँ कि ये अपना फिल्म एक्टिंग एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, इतना आसान नहीं है. मैं सब अपने हिंदुस्तान के बच्चे बच्चियों को अपनी तरफ से एक यहाँ से संदेश भी देता हूँ कि यहाँ आना भाई पूरा सोच समझ के आना, इतना आसान काम नहीं है. हम सोचते हैं ना कि मुंबई में आते हैं लड़की आते हैं खज्जल हो जाते हैं बेचारे, वो इसलिए क्यों वहाँ से आते हैं सोच के यार ऐसे जाएंगे हमें रोल मिल जाएगा हमें ये, लेकिन ऐसा नहीं है. और ये यहाँ बड़े इंस्टीट्यूट हैं ऐसे ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन नव सर ने एक प्रैक्टिकली मतलब कि फिल्म लाइन में क्या क्या जरूरी है. देखो हमें तो कैमरा अभी देखो मैं आपके सामने आया हूँ, मुझे आज मालूम है कहाँ कहाँ देखना. ये सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग है. यहाँ बच्चों को मालूम नहीं होता कि कैमरा कहाँ है, डायरेक्टर कहाँ है, डायलॉग कहाँ बोलना है. और ये 10 दिन में इन्होंने मुझे तैयार कर दिया. और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगले महीने मैं फिर आ रहा हूँ, हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है और उसमें आप मेरे में चेंजेस देखेंगे, इम्प्रूवमेंट देखेंगे. आप एक एक्टर बैठा हुआ है. आपके जज्बे को सलाम. मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरे पास जज्बा है, हिम्मत है, बस और कुछ नहीं है. और मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है. मैं ना इंग्लिश अच्छी बोल सकता हूँ, हिंदी भी अच्छी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जो भी हमारा प्रोजेक्ट शुरू होगा उसमें मेरी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी. इसके लिए आप सबका शुक्रिया. चीफ से मिले, अब जो जोया के साथ जिन्होंने काम किया,
जो रिजवान बने थे, ईशान शर्मा, प्लीज कम। ओके, आपने रिजवान का रोल किया है ना, आप चुपचाप बहुत रिसर्च, बहुत घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, कैरेक्टर ढूंढते रहते हो, ससुरा पता है कैसा रहा सफ़र आपका, क्या एक्सपीरियंस यहाँ आने के बाद क्या हुआ एक क्विक? हेलो एवरीवन, मेरा नाम ईशान है और मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ और ये शब्द जो है मैं नब सर ने दिया। फरवरी में नब सर के साथ मैंने काम करना शुरू किया और उसके बाद से अब तक मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। तो उसमें आपके एक्टिंग वर्कशॉप जितने रहे हैं वो सब मैंने अटेंड किए, 1 मंथ का कोर्स जो था वो मैंने अटेंड किया। इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, दैट्स वाई, बिकॉज वो इतना आसान बना देते हैं एक्टिंग आपके लिए कि आपको सीखने में बहुत आसानी होती है। आप समझ जाते हो कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो कैमरा एंगल्स और वो सारी चीज़ें। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन ही देना चाहूँगा, आई एम फ्रॉम जम्मू, जैसे सुरेंद्र जी हैं सेम आई एम फ्रॉम जम्मू, बट आई स्टडीड इन दिल्ली, डन मास कम्युनिकेशन, देन आई केम टू मुंबई। कहते हैं एक छोटी सी चीज़ होती है एक्टिंग, वो आपको करनी होती है। तो बचपन में हम सब एक्टर होते हैं जैसे सर बोलते हैं, पर एक्टर बनना सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि वो पैशन चाहिए होता है, वो लाइवलीनेस चाहिए होती है, जो आप प्रोजेक्ट कर सको और बता सको कि आप एक एक्टर हो। तो बचपन से सर ने एक्टिंग की, पर नब सर के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा, वो ऐसा एक्सपीरियंस मैंने आज तक किसी मेंटर के साथ मेरा नहीं है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल हम्बली, मैं तहे दिल से सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हम सबको मौका दिया और हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक क्लैप इसलिए कि ईशान इतना अच्छा बोलता है मीडिया के सामने, इतना अच्छा बोलता है। एनी क्वेश्चन या एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। ओके, करना चाहूँगा मिस्टर यश, हेलो गाइस, मेरा नाम यश वेरुकिया है। जोया फिल्म में मैंने एक शार्प शूटर कमांडो का रोल किया है। तो गाइस, मैं रियल लाइफ में ऐसा हुई नहीं, मैं एकदम बिंदास मुंबई का छोकरा जैसा रहता वैसा हूँ, बट इसमें मुझे एक स्टेप अप करना पड़ा टू प्ले द कमांडो, थोड़ा सीरियसनेस डिसिप्लिन जैसे नब सर देते ही है। अमेजिंग थिंग ये नब सर के बारे में कि वो आपके साथ हंसी मजाक करेंगे रियल लाइफ में, बट जब भी आप उनके साथ काम करोगे तो इतने स्ट्रिक्ट और प्रिसाइज है ना इनका काम, मतलब क्या ही करूँ, मतलब डर लगता है इनके साथ सेट पे, पर बाद में एकदम मतलब फ्रेंडली एटमॉस्फेयर सर रखते हैं ताकि हम खुल के आए। इतना फ्रेंडली रखते हैं कि 2-4 रिटेक्स हो जाए तो ये मुझे बोलते हैं सर मेरे लिए ग्रीन टी आप बना के लाओ। बट फिल्मिंग विथ नब सर इज टोटली डिफरेंट बिकॉज his camera angles, his psychology matches with my psychology on some level, not, but there is some similarity. So I think, yeah, in the end it was a beautiful experience and I will be with Nab sir as always, make him proud. Wow. Hello everyone. Zoya में मैं agent Gaba का किरदार निभा रहा था और मेरा असली नाम भी ईशान गाबा ही है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ये रहा कि मतलब एजेंट का किरदार निभाना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि रियल लाइफ में हम कैजुअल, बहुत कैजुअल रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्टनेस, आपका पोस्चर, बॉडी पोस्चर, एक्सप्रेशंस, वो सब आपको उस किरदार के हिसाब से निभाने पड़ते हैं, वो थोड़ा मुश्किल था। एंड वो सर ने हेल्प, बहुत हेल्प की। एंड सर के साथ फिल्मिंग करने का ये मतलब बेनिफिट था कि हर एक बंदा, हर एक इंसान, हर एक कैरेक्टर ही एडी भी था, कैमरामैन भी सीख पाया क्या कैमरामैन करता है, क्लैप बॉय, एडी, ये सब स्क्रिप्टिंग में भी सब ने हेल्प की। तो इट्स अ टीम वर्क, टीम वर्क ने बहुत हेल्प की, एक दूसरे को बूस्ट करने में बहुत हेल्प की। कहीं रीटेक हो रहे थे तो सब ने बूस्ट किया कि नहीं होगा होगा, तो जो हुआ वो आपके सामने है। और सर की एक लाइन बहुत अच्छी लगती है मुझे कि आप कला को नहीं चुनते, कला आपको चुनती है, तो वो सच्ची में ये होता है। सर ने फिल्म सजेस्ट की थी हमें, मूवी सजेस्ट की थी, रोल्स दिए थे उसके पहले, फिर मूवी सजेस्ट की थी तो हमने वहाँ देखी जाके, फिर तो उससे बहुत हेल्प हुई कि कैसे उनका देखना, लाइक स्ट्रिक्ट पूरा देखने की नज़र भी उनकी कैसे एक फॉर्म होती है, वो चीज़ एक एक स्टेप उनका बहुत फॉर्म, तो वो चीज़ में हेल्प बहुत हुई हमारे।
Are you feeling confident now, like, after doing it? Yeah, very much confident. एक और इवेंट है इसके बाद हमारा, तो उसमें भी लाइक आई एम होस्टिंग दैट, तो इतना कॉन्फिडेंस सर मुझ में दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको खड़ा रहना पड़ता है, तो या डेफिनेटली या वो आप लोगों के सामने आने वाले हैं आयुष ऋतु। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद वन ऑफ माय डायलॉग इन सोया, सर प्यार मेहंदी पोती हम नहीं। सर मैं बोलना चाहूँगा कि नब सर जिन्होंने मुझे ये कैरेक्टर दिया, एजेंट आयुष जिन्होंने जोया को मारा, सॉरी मैं बता रहा हूँ अभी, वेरी चैलेंजिंग। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे परफॉर्म करना है, लाइटिंग एंगल्स फ्रेम, तो सर ने मुझे काफ़ी गाइड किया। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट मुझे एक पॉइंट में ऐसे था कि मैं कैसे परफॉर्म करूं कि मैं अपना 100% दूं, तो सर ने मुझे बहुत बताया हाउ टू डू एक्टिंग, मल्टी डायमेंशनल एक्टिंग, तो मुझे काफ़ी हेल्प किया। आई एम फ्रॉम पंजाब, बेसिकली पंजाब बठिंडा। सर मैं बचपन में शाहरुख खान को देखता था, बट सर ने मुझे बोला नेवर कॉपी एनी वन, बी योर सेल्फ, तो मैंने छोड़ दिया। वाह, थैंक यू। तो दर्शन हो गए जम्मू दिल्ली बठिंडा, अब थोड़ा इस तरफ चलते हैं। आइए मीनाक्षी, मीनाक्षी रावत जो है देहरादून से हैं, और व्हाट अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस। एक टेक्निकली कोई पैनिंग का शॉट था, उस पैनिंग में 8-10 रिटेक हो गए टेक्निकली हमारी तरफ से, बट उतने सारों में सेम इंटेंसिटी, एक भी बार फंबल नहीं, कुछ नहीं, और इतनी फैंटास्टिक एक्ट्रेस। हाय नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी रावत है और मैं इस जोया फिल्म में मीनाक्षी रावत एज अ एजेंट का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। और अगर मैं बात करूं फिल्म की, तो जब हमें ये स्क्रिप्ट मिली तो सर ने कहा कि इसका जो कैरेक्टराइजेशन है वो आप कीजिए, तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें रिसर्च की सब ने, और इवन मैं जब यहाँ से निकलती थी और घर तक जाने का जो मेरा सफ़र था उसमें मैं नहीं रहती थी, मैं एक एजेंट की तरह चलती थी, इवन लोगों को देखती थी, वो मुझे देखते थे, तो मुझे ऐसा होता था कि यार कहीं कुछ है तो नहीं सीरियसली। और सर की बात बताऊं तो जो सर ने कहा लर्न बाय डूइंग, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं बट अगर आप उसे करोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से परफॉर्मेंस की जाती है। आप जब फ्लोर पे आते हो तो कैमरा एंगल, लाइटिंग, सब चीज़ें, एवरीथिंग, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप जो भी सीख रहे हो उसे परफॉर्म करो, और ये सब नया था मेरे लिए कैमरे के आगे परफॉर्म करना, तो बहुत बहुत चीज़ें सीखी है सर से सीरियसली। इवन सर ने एक लाइन कही थी कि आप सॉरी सर ने ये कहा था कि जो वक्त आप अपने काम को, अपनी एक्टिंग को या फिर इस फील्ड को देते हो वो कभी ना कभी वापस आ ही जाता है। तो मैंने परसों सर एक बता रहे थे कि आपको किस तरह से अपने वाचिक पे, अपने आंगिक पे काम करना चाहिए, तो मुझे वहाँ लगा कि हाँ यार ये सीरियसली सर ने बहुत सही लाइन कही। उस दिन समझ आया मुझे कि जो मतलब सर ने कहा वो एकदम सही कहा, तो मैं भगवान को थैंक यू कहती हूँ कि मुझे यहाँ आई मैं और सर से मिली, और आई होप आगे अच्छा काम मिलेगा और अच्छा काम करेंगे। ये रोज़ यहाँ पर सीखने के लिए 3.5-4 घंटा ट्रेवल करके आती है, एवरी डे 8 आवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाउ ओनली आई नीड 2 मिनट्स। संध्या जी आइए, ये हमारी जरा क्या
कैसा लगा ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, पानी का प्रेशर आपके ऊपर और स्टूडियो और बच्चों का खाना और ये सब, कैसा एक्सपीरियंस था? सबसे पहले गुड इवनिंग सभी को एंड थैंक यू फॉर कमिंग HRI एंड दिस वाज अ वेरी बिग एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. सर के साथ काम करना, कैमरा एंगल, लाइट्स वगैरह सब कुछ नया था और ऐसा नहीं लगा कि मैं एक स्कूल में ये सब कर रही हूँ, स्कूल में ये सब सीख रही हूँ. इट वॉज रियली यू नो रियल एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई वॉज सो कॉन्फिडेंट. अगर सर के साथ रहेंगे तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है, तो आई एम सो सुपर कॉन्फिडेंट राइट नाउ. और लाइक आई रियली वॉन्ट टू कंटिन्यू विद सर और बहुत कुछ सीखना है. एंड मेरा 1 ईयर कम्प्लीट हुआ है सर के साथ और सर के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है, लाइक सीरियसली. और अभी 2-3 दिन में अगली फिल्म की शूटिंग के लिए कहाँ जा रही हैं? ग्वालियर. ग्वालियर, वाह वाह, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. क्राफ्टिंग, मार्केटिंग, वो थे. आइए सर, अथर. अच्छा, इंस्टा लाइव बंद करते हैं और नेम इज़ अथर्व. आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई इटसेल्फ एंड मैं इस फिल्म के शूट के टाइम पे नहीं था, बट उसके बाद में जुड़ने के बाद बहुत कुछ सर के साथ काम किया और मार्केटिंग देखा है, पोस्टर्स एंड एवरीथिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन ऑल्सो. तो बस सर के साथ एवरी मिनट जो भी है, जो भी रहेगा, एवरी मिनट सीखता ही रहेगा. दैट्स इट. आई वॉज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग द शूट. नहीं होता तो भी रोल नहीं था इसके लिए क्योंकि सब बेचारे, देखो ऑडिशन दिया सबने, ऑडिशन के लिए आना तो पड़ेगा ना. ये उस समय अपने वो डिग्री लेने गया था. हाँ, सो वो अगले में होगा, जरूर मिलेगा आप लोगों को. फैंटास्टिक डांसर, एक्टर. हम लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं इसके लिए, मैं आपको बताता हूँ. इसके लिए बड़ी कैमरा चलाया और जिस आदमी ने एडिट किया वो है राज क्षेत्री. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राजकिशोर छेत्री. आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर, डांसर एंड अ सिंगर. एंड रही बात जोया की, जोया शूट करने में और एडिट करने में बहुत बहुत तकलीफ़ हुई और सर के साथ काम करना इज़ लाइक फॉर्चुनेट थिंग कि आप सर के साथ एक फिल्म में बाकायदा काम कर रहे हो. इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग, एक इतने बड़े डायरेक्टर के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है. एंड बहुत सारे शॉट्स ऐसे थे जो सर ने ऐसे बताए जो हमने बहुत मुश्किल से ली. एंड या दैट्स इट. सो जैसे एक शॉट बताता हूँ जो घूमा था ना चक्कर, तो उसमें नया नया हमने फ़ैन ख़रीदा था, इन लोगों ने फैन की वाट लगा दी, उसको आगे से खोला, उसमें आईफोन चिपकाया, उसको 10 बार चलाया, एक शिफ्ट पूरा फ़ैन घूमने में गई. मैं सोच रहा था अगर सलमान भाई की फिल्म होती और ऐसे टेक्नीशियन मिले होते फ़ैन घुमाने में एक शिफ्ट जाती तो अपने को. बट सबसे ज़्यादा समझते हैं सर, इतना मल्टी डायमेंशनल आदमी मैंने तो नहीं देखा. इज़ टू गुड. इनके बिना तो एचआर आई नहीं है. बहुत डांट तो सभी खाते हैं. अभी कम कर दे, अभी नहीं कर. सभी खाई सर, डांट सभी खाते हैं, बट प्यार भी बहुत करते हैं सर. किसी का कुछ होल होल काट दिया, कुछ ऐसा भी हुआ? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल. एक का रोल कटने वाला था, फिर सब लोगों ने बोला मत काटो क्योंकि मुझे गाली गलौज पसंद नहीं, और उसने चलते ही शॉट में बिना पूछे गाली दे दी. देख मत ऐसा, अभी लग रहा है अभी भी गाली देगा. इम्प्रोवाइज किया तो इम्प्रोवाइज गाली देगा. हाँ चल, सो थैंक यू सो मच. और योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट. नमस्ते, मेरा नाम देवयानी है, मैं देहरादून से हूँ और एक्टिंग करती हूँ. अच्छा, सो इस फिल्म में था कि ये एक्ट नहीं करेंगे बट ये बैक स्टेज सारा काम संभालेंगे. तो इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी अदाकारा हमारी क्लैपर गर्ल थी, ऑल द टाइम क्लैप. कितने फाइनल एक शॉट के कितने रिटेक हुए थे ज़रा अगर बता सको सीक्रेट? 26. कितना? 26. वापस बोल दो. 26 रीटेक्स थे. किसके थे मत बोलना. 26 थे, मैं एक्टिंग कर रहा था और 26 रीटेक्स थे. सो कैसा लगा 26 टाइम क्लैप देना? ऐसा फील हुआ कि जब तुम एक्टिंग करोगे तो तुम ये नहीं करोगी? हाँ ऑफ कोर्स,
बिहाइंड द कैमरा रहकर बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, जैसे मुकम्मल एक्टर वही बनेगा जो बिहाइंड द कैमरा रहेगा। एब्सोल्युटली, थोड़ा तपना पड़ता है। या या या। एंड सर के अंडर काम करने से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस। ये मेरे दोस्त की बेटी है और बहुत अच्छी आदत। Zoya rocks. Please watch Zoya. Yes. Thank you.